नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर एंड आप देख रहे हैं मोटो यात्रा। आज मैं बात करने वाला हूँ हीरो एक्सपल्स के बारे में जो कि आपके सामने है। तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ इस बाइक के इंजन के बारे में। 200 सीसी का इंजन है जिससे आपको 18.4 हॉर्स पावर की पावर इस बाइक से मिलती है। 157 केजी इस बाइक का वेट है। आपको इसके अंदर जो फ्रंट में है 21 इंच का टायर मिलता है एंड फ्रंट में आपको ABS मिलेगा। आपको ABS की बैजिंग दिख जाएगी फ्रंट में लगी हुई। फ्रंट व्हील जो है वो आपका 90x90। अगर अपन बैक की बात करते हैं तो बैक का 180x80 एंड 18 इंच का आपका टायर इसका बैक का मिलता है। LED मिलती है, इसका हाई बीम है। डिजिटल मीटर के अंदर आपको इस जगह पे जो है टर्न बाई टर्न नेविगेशन मिलेगा। आप अपने फ़ोन से एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं एंड कनेक्ट करने के बाद में ये आपको टर्न बाई टर्न लेफ्ट एंड राइट वाला सिग्नल देके, स्ट्रेट वाला सिग्नल देके और आप इसका नेविगेशन को फॉलो कर सकते हो। जो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का दिखा देगा, पेयर का ऑप्शन आ जाता है। इसका 13 लीटर का फ्यूल टैंक है एंड जो फ्यूल इकोनॉमी जो मैंने चेक करी वो आती है हाईवे के ऊपर आती है आपकी 58-60 के आसपास। एंड अगर आप एक कंटिन्यूसली प्रॉपर स्पीड में चला राइड करते हो तो एंड उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ सिटी के अंदर, तो सिटी के अंदर जो आपको एक प्रॉपर एवरेज जो इस बाइक से मिलता है वो मिलेगा अप्रोक्स 45-48 के समथिंग का। और अगर आप इस बाइक को लेके जाते हो ऑफ रोडिंग पे, इस तरह की जगह पे जैसे मेरे सामने है ऑफ रोडिंग, सो इन एरियाज़ में आपको जो इस बाइक से एवरेज मिलेगा 30-35 के अप्रोक्स का, बिकॉज उसमें आप फर्स्ट या सेकंड गियर में ही इस बाइक को राइड करते हो। सस्पेंशन जो इस बाइक में दिया है फ्रंट में है 190mm का मोनोशॉक सस्पेंशन है बैक वाला, जिसके अंदर जो आपका 10 स्टेप एडजस्टेबल ऑप्शन के साथ में आता है। अब आपको एक बार इस बाइक का मैं साउंड भी सुना देता हूँ कैसा आता है। नाउ बाइक को राइड करके देखते हैं कि बाइक की राइड क्वालिटी कैसी है एंड 220mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। बाइक जो है बहुत लाइट वेट है, 153 kg वेट है। प्रीवियसली मैंने 157 बताया था बट वो गलत था एंड द बेस्ट थिंग 41 kg लाइटर है हिमालयन से। दैन अगर प्राइस की बात करूँ तो 50,000 जो है ये आपकी हिमालयन से सस्ती भी है बाइक। नाउ इस बाइक की जो अगर अपन बात करते हैं सर्विस कॉस्ट की, सो मैं मेरी थंडरबर्ड की सर्विस कराता हूँ तो ऑलमोस्ट 1500 से 2000 रुपीज़ मुझे स्पेंड करना होता है इस बाइक की सर्विस के ऊपर। इसकी जो सर्विस है एक्सपल्स की वो ऑलमोस्ट बिलो 1000 रुपीज़ में आपकी सर्विस हो जाती है एंड आपको एवरेज भी इस बाइक से अच्छा मिलता है। सो ये एक इस बाइक की बहुत अच्छी चीज़ है। टेन अगर ऑलमोस्ट 100 ये बाइक इजीली क्रॉस कर लेती है। मैंने 117 इसको टच करा हुआ है लेकिन इजीली आप 90-95 की स्पीड पे इस बाइक को क्रूज कर सकते हो। नाउ अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो 17.1 Nm इस बाइक का टॉर्क है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ एंड जल्द मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, सो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।